नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण है और आज आपके सामने हेयर पैच के रिगार्डिंग एक वीडियो बना रहा हूँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी लोग हेयर पैच के बारे में सोच रहे हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिले, अपना डिसीजन मेकिंग में उनको आसानी मिले। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, कोशिश करूंगा छोटे से छोटे में वीडियो और जो नॉलेजेबल कंटेंट है वो ख़त्म करूँ। मैंने हेयर पैच यूज़ किया, पहले मैंने क्लिपिंग वाला हेयर पैच यूज़ किया, उसके बाद मैंने बॉन्डिंग वाला जो आता है टेपिंग वाला वो वाला भी यूज़ किया, बट अब मैं विदाउट हेयर पैच हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। और अभी हटाया, मैंने 2-3 दिन पहले ही हेयर पैच हटाया है एंड फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंट। सो मैं आपको बताता हूँ कि एक हेयर पैच मैं तो रेकमेंड करूँगा, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हेयर पैच अच्छा है या नहीं है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहली लाइन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि हेयर पैच मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, यूज़ नहीं करना चाहिए हेयर पैच, क्योंकि मैंने खुद अब एक्सपीरियंस ले लिया है। अगर मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखें उसमें आप देख सकते हैं, पहले भी ऐसे भी मैंने वीडियो बनाई है, हेयर पैच में भी वीडियो बनाई है, 1 साल मैंने हेयर पैच रखा है, उसके बाद मैंने रिमूव किया है। सो हेयर पैच मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो कॉस्ट के पर्पज़ से भी, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 12,000 रुपये का हेयर पैच लगता है। तो और मुझसे बोला गया था कि 1.5 से 2 साल चलेगा, लेकिन चला नहीं, 1 साल भी नहीं चला, 11 महीने चला कम से कम, और खींच खांच के काफ़ी जगह से उस पैच के बाल निकल चुके थे। तो बहुत ऑड लगता था, जो कि बीच बीच में से बाल निकल जाना, आप कहाँ कहाँ से कवर करोगे उसको, बीच बीच में से बाल निकल जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली आप शैम्पू करोगे, नहाओगे, सोओगे, उसी में कंघा करोगे तो टूटेंगे बाल। तो 1 साल उसकी लाइफ मान के चलिए, तो 12,000 रुपये कम से कम एक पैच के लगाइए, 1 साल उसकी लाइफ होती है। उसके बाद हर महीने या 1.5 महीने में आपको उसकी सर्विसिंग भी करानी है, तो 500-600 रुपये उसके भी आप लेके चलिए। उसके बाद कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट होता है, जब आप उसको धोते हो, शैम्पू करते हो, तो बनाने में कितना टाइम लगता है, आपको छुपाना पड़ता है, कहीं से दिख तो नहीं रहा। हालांकि कई हेयर पैच ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, लेकिन 1 साल तक नहीं पता लगेगा, उसके बाद तो आपके बाल निकलने स्टार्ट होंगे, यहाँ से छुपाओगे, यहाँ से छुपाओगे। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा कि हेयर पैच नहीं यूज़ करना चाहिए। विंटर्स में कोई दिक्कत नहीं होती है, अभी विंटर्स में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, विंटर्स में ही मैंने हटाया है, विंटर्स में कोई दिक्कत नहीं थी। समर्स में इतनी दिक्कत होती है, आपको इचिंग होगी, आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर पाओगे। मैं योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, तो मैं वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतनी स्वेटिंग होती है, आप कर ही नहीं पाते हो ढंग से, क्योंकि वो लूज़ हो जाता है, स्वेटिंग ज़्यादा करोगे तो आप लूज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास पैसा इतना है कि हाँ आप हर साल 12,000 रुपये, हर महीने 500 रुपये उसमें स्पेंड कर सकते हो और टाइम भी इतना दे सकते हो आप उसको सेट करने में, बनाने में, तो फिर आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा इनकम नहीं है और आप सोच रहे हो कि हेयर पैच मैं ले लूँ और उसको मैं एक हेयर पैच को 2-3 साल निकाल लूँगा, तो इम्पॉसिबल है, 2-3 साल निकलेगा ही नहीं आपका। 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल, अगर अच्छी क्वालिटी का हेयर पैच होगा 1.5 साल चल जाएगा। मुझे भी यही बोला गया था कि भाई 1.5 से 2 साल चल जाएगा, लेकिन मेरा तो नहीं चला, 12,000 का लिया था। बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों अपना। मैंने खुद एक कमेंट में पढ़ा था, जब मैं हेयर पैच यूज़ कर रहा था तो मुझे किसी ने कमेंट पे लिखा था कि यार बी कॉन्फिडेंट, वट एवर यू आर, जैसा आप दिखते हो ना, अपने डाइट पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ अच्छी रखो और अपने योगा करो, जो नेचुरल तरीके हैं वो आप यूज़ करो बालों को उगाने में, और कॉन्फिडेंट रहो यार। कितने लोग बाल्ड हैं यार, एलन मस्क हो गया, इतने बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति हैं, सब तो बाल्ड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं यार। तो मुझे बहुत वहाँ से मोटिवेशन मिला उस लाइन से, हालांकि हमें पता होती है ये चीज़ें लेकिन हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू आर। और दूसरी एक और चीज़, जब आप पैच लगाते हो तो मैंने खुद फील किया है, बड़ा ही अजीब सा लगता है, एकदम से बाल आ जाते हैं, अच्छे लगते हैं वो, नो डाउट बहुत अच्छे लगते हैं, और लेकिन बहुत ही अजीब सा लगता है। आप सोचते हो अरे यार इतने सारे बाल आ गए, मेरे गली वाले क्या सोचेंगे, ऑफिस में जाऊंगा वहाँ लोग क्या सोचेंगे, है ना, तो उस समय एक हेजिटेशन होती है। लेकिन ठीक है, मैंने वो एक्सपीरियंस भी लिया, हेजिटेट हुआ, 2-3 दिन में सब नॉर्मल हो गया। उतारते वक्त आप 1 साल चलाओगे, 2 साल चलाओगे उसको, उसके बाद आप जब उससे थक जाओगे, जीत जाओगे, कई बार ऐसा मन करता है उतार के फेंक दो उसको, इतनी खुजली होती है, खुजली करने का मन करता है, लेकिन आप कर नहीं सकते हो, मन करता है उतार के फेंक दो गर्मियों में, ठीक है। तो जब आप उतारने की फाइनली सोचोगे कि हाँ मैं अब थक गया हूँ, मेरे को उतारना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद दोबारा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि
अब आपके बाल आ गए थे, लोग उसमें आपको देखने के आदी हो चुके थे, और आप दोबारा वैसे ही चले जाओगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा। और ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन अगेन मैंने यही बोला कि कॉन्फिडेंट रहो, कोई बात नहीं, दुनिया की परवाह नहीं करनी है, कौन क्या सोच रहा है यार, ठीक है, आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, दुनिया से क्या लेना देना। तो लेकिन उस समय भी आपको बहुत अजीब लगेगा उतारते वक्त, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप हेयर पैच ना करें, पैसा वेस्ट जाएगा आपका, ठीक है, अच्छे लगोगे आप नो डाउट जब तक हेयर पैच रहेगा, लेकिन कब तक आप हर साल क्या 12,000 रुपये दोगे, हर महीने 500-600 रुपये आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, टाइम आपका इतना लगेगा जब आप नहा के निकलोगे, उसको बनाओगे, हेयर ड्रायर भी चाहिए, सिरम भी चाहिए, तो पैसा भी टाइम भी, अगर आप ये दे सकते हो तो ठीक है, लेकिन हर कोई नहीं दे सकता है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा आप जो भी नेचुरल हो आप अपने नेचुरल तरीके से यूज़ करो। मैं अब दोबारा मैं बाबा रामदेव को फॉलो करता हूँ, दोबारा मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है, योगा स्टार्ट कर दिया है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, वालायाम बहुत इफेक्टिव है, कंटिन्यू 5 से 10 मिनट सुबह कर लो, 5 से 10 मिनट शाम को कर लो, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, 1 से 2 साल में इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा कोई तेल मालिश करो शरीर की, ठीक है, बालों की मालिश करो, और कॉन्फिडेंट रहो यार, मैं तो ये कहूँगा। बाकी इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट में आप डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सोच रहे हैं लगाऊं नहीं लगाऊं, उनके लिए ये वीडियो है, और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उनको हेल्प मिल सके। अगर मुझे भी ऐसी वीडियो मिल जाती लगाने से पहले तो शायद मैं नहीं लगाता, लेकिन एनीवेज अच्छा हुआ मैं किसी को एक्सपीरियंस तो बता रहा हूँ, अपना शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्ते।